हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में मैं आपको रूल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का 9th क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ये सीरीज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ को आप आखिर तक देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द 7th रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब वन का जो है 7th रूट मुझे यहाँ पे निकालना है। एंड प्रूव दैट द सम ऑफ द nth पावर ऑलवेज वैनिशेस अनलेस n बी अ मल्टीपल नंबर ऑफ 7। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे nth पावर निकालेंगे, सम निकालेंगे सभी का, जो भी आपके पास यहाँ पे रूल्स आएंगे सभी का अपन क्या करेंगे, nth पावर लेकर के उनका सम करेंगे और वो क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, मतलब वो जीरो होगा। व्हेन अनलेस n बी आर मल्टीपल नंबर ऑफ 7, अगर n अपना 7 के मल्टीपल का नहीं होगा तब क्या होगा, जो सम होगा वो अपना क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और मान लो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बींग एन इंटीजर देन द सम इज 7। मान लो अगर आपका एन जो है मल्टीपल ऑफ 7 दिया हुआ है तो उस केस में जो उसका सम बनेगा दैट इज 7। ओके, ये जो आपने क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो उसका प्लीज आखिर तक देखिए। सिंस वी नो दैट 1 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री, तो इसको जो हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं दैट इज है ना कॉस 2 पाई आर। यहाँ पे देखो n को जो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया गया है तो हम यहाँ पे r यूज़ कर रहे हैं, प्लस i साइन 2 पाई r, ये अपना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखो क्या बोला, यहाँ पे 7th रूट बोला है, तो देयरफॉर 1 की पावर 1 अपॉन 7। ठीक है, 1 अपॉन में जो नंबर होता है उतना ही उसकी रूट्स निकलती हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसको, cos 2 पाई r प्लस i साइन 2 पाई r पावर में 1/7, ये अपना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी मार्वर अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये कॉस 2 पाई आर अपॉन में 7 प्लस आई साइन 2 पाई आर अपॉन में यहाँ पे 7। ये जो 7 है ना वो क्या है बताओ, एंगल्स में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो बाई डी मार्वर्स थ्योरम। ठीक है, ओके, यहाँ तक का सिंपल था सब कुछ। अब यहाँ पे जो है ये अपना क्या बताओ, 1 की पावर 1/7 है। अब हम बताओ क्या करेंगे, r की जो वैल्यू है उसको अपन पुट करेंगे, कितनी वैल्यू रहेंगी, 7 वैल्यू रहेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो यहाँ पे लिखो पुट r इक्वल्स टू 0, 1, 2, ……6। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या मिलेगा, वी गेट। ठीक है, तो r की वैल्यू अपन जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस विल बिकम cos 0 प्लस i साइन 0। ठीक है, अब जब 1 पुट करो तो दिस विल बिकम cos 2 पाई अपॉन में 7, तो अब लिखो cos 2 पाई अपॉन में 7 प्लस i साइन 2 पाई अपॉन में 7, जो इसके एंगल में होगा वही अपना इसके एंगल में भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब n की r की वैल्यू अपन यहाँ पे 2 पुट करेंगे, दिस विल बिकम cos 4 पाई अपॉन में 7 प्लस आई साइन 4 पाई अपॉन में 7। अब 3 पुट करो, दिस विल बिकम cos 6 पाई अपॉन में 7 प्लस आई साइन 6 पाई अपॉन में 7। ओके फाइन, अब 3 पुट कर चुके, अब 4 पुट करो, दिस विल बिकम cos 8 पाई अपॉन में 7 प्लस आई साइन 8 पाई अपॉन में 7। अब नंबर 5 पुट करो यहाँ पे, दिस विल बिकम cos 10 पाई अपॉन में 7 प्लस आई साइन 10 पाई अपॉन में 7। लास्ट में देखो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 6 पुट करेंगे, तो दिस विल बिकम cos 12 पाई अपॉन में 7 प्लस आई साइन 12 पाई अपॉन में 7, ये अपना हो चुका है। ठीक है, अब ये जो आपको रूट्स निकले हुए ना, 1 का जो रूट निकला हुआ है पावर में 1/7 लिखा था, इसलिए हम क्या निकालें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 रूट से यहाँ पे निकालें, तो इसको जो हम इसको नेमिंग कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये अपना क्या होगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज cos 0 अपना 1 होता है और sin 0 अपना क्या होता है, 0 होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1। ओके, ये जो है ना इसको हम क्या मानेंगे, रो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज रो स्क्वायर, और ये अपना क्या होगा, रो क्यूब, ये अपना क्या होगा, रो की पावर 4, ये अपना हो जाएगा रो की पावर 5, और ये अपने क्या होगा, रो की पावर 6। ठीक है, ओके, वेयर रो बताओ अपना क्या है, ये अपने क्या था, ये वाला फॉर्म था, दैट इज यहाँ पे लिखो cos
टू पाई अपॉन सेवन प्लस आई साइन टू पाई अपॉन में सेवन, ये अपना हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको अपन रो स्क्वायर रो क्यूब रो के पावर क्यू रखें, कैसे रखें, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे रो स्क्वायर लगा दो तो यहाँ पे क्या पावर टू आएगा, डी मोर के चलते क्या होगा यहाँ पे फोर हो जाएगा। तो देखो अपना आ गया, दिस इज रो स्क्वायर, ये अपना क्या रो क्यूब है। ठीक है, उसी हिसाब से अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने यहाँ हो चुका है, अब हम क्या करेंगे सम निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ जो भी आपको यहाँ पे रूट्स निकला हुआ है उसको अपन nth पावर करके अपन उसको सम करेंगे। तो यहाँ पे लिखो नाउ द सम ऑफ nth पावर ऑफ दीज वैल्यूज आर। ठीक है, क्या होगा देखो यहाँ पे सम जो होगा, ठीक है यहाँ पे सम निकालेंगे अपन। तो सम बताओ ये अपना क्या है, एक GP सीरीज है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कितना क्या बनेगा। ठीक है, ये अपना वन का पावर n कितना वन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रो की पावर वन था यहाँ पे, तो उसका n पावर कितना होगा, रो की पावर n। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, रो की पावर 2n प्लस रो की पावर 3n प्लस रो की पावर 4n प्लस रो की पावर 5n प्लस रो की पावर 6n। ठीक है, ये अपना हो गया। ओके, इसको अपन निकालेंगे आप, तो अपने पता होना चाहिए पहले कि सम क्या होता है। ठीक है, GP सीरीज का, तो GP सीरीज का अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ वन है, और जो कॉमन रेशियो दैट इज़ रो की पावर n है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है अपना होता है a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन में वन माइनस आर, ये अपना क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो इसको जो आप अलग से यहाँ पे लिख के रख लिएगा हूँ यूज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा वन माइनस, ठीक है यहाँ पे आपका जो है a दैट इज़ वन, तो उसको आप हटा दो, उसको लिखो मत क्योंकि यहाँ पे क्या है वन है। वन माइनस आर बताओ क्या है, ये है कि नहीं अपना रो की पावर n हो गया। ठीक है, ये रो की r की पावर n नहीं है, ये अपना क्या है r है, और देखो n कितना है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर सेवन लगा दो अपॉन में वन माइनस रो की पावर n लिख दिया यहाँ पे। तो इसको देखो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस रो की पावर सेवन n अपॉन में वन माइनस रो की पावर n, इसको पास लिख सकते हैं। अब देखो दो केसेस यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे प्रूफ करने के लिए। देखो पहला केस कौन सा अपना दिया हुआ है, व्हेन n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ सेवन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे n अपना क्या है मल्टीपल ऑफ सेवन नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो भी दिया है पावर में, देखो आपका रो कितना है, ये है कि नहीं, दिस इज़ रो। तो अगर मुझे यहाँ पे पावर में सेवन एन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब मैं पावर में सेवन एन डालूंगा, ठीक है फिर डी मॉ अपन जब लगाएंगे तो सेवन सेवन आपस में कैंसिल होगा कि नहीं यहाँ पे, तो सेवन कैंसिल होने पर देखो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस टू एन पाई प्लस आई साइन टू एन पाई, तो ये तो अपना जीरो हो जाएगा, ये अपना क्या रहेगा वन रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे रो की पावर सेवन एन इज इक्वल्स टू वन, विच इम्प्लाइज एस इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन में वन माइनस रो की पावर एन, तो अपना क्या जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे, क्योंकि आप जब यहाँ पे सेवन एन रखोगे तो यहाँ पे सेवन एन आएगा, डी मोवर लगाने पे क्या होगा सेवन सेवन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एन जो है इसके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस टू एन पाई प्लस आई साई टू एन पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे वन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पहला जो था दैट इज़ प्रूव्ड, और सेकेंड जो को बोला है दैट इज़ केस नंबर टू। तो देखो क्या पूछा आपको, व्हेन एन इज ए मल्टीपल ऑफ सेवन, अगर एन जो है मल्टीपल ऑफ सेवन है, लेट सपोज एन अपना क्या यहाँ पे सेवन के दिया है मान लो, ठीक है मान लो आपको कोई भी मल्टीपल है सेवन का, ठीक है एन इज अ मल्टीपल ऑफ सेवन, तो यहाँ पे लिखो एन इक्वल्स टू सेवन की, के में भी एनी नंबर, ठीक है कोई भी नंबर आपका यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो सम होगा दैट इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे आपको क्या है वन दिया है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है देखो यहाँ पे क्या दिया वन दिया हुआ है, तो दिस इज वन प्लस, देखो यहाँ पे आपको रो की पावर एन था कि नहीं, ठीक है तो दिस कैन बी रिटन एज रो की पावर, यहाँ पे आप ले सकते हैं सेवन के। फिर देखो यहाँ पे क्या है रो की पावर टू एन था, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे रो की पावर टू पावर में सेवन के, फिर यहाँ पे रो की पावर थ्री पावर में सेवन के प्लस रो की पावर फोर पावर में सेवन के प्लस रो की पावर फाइव पावर में सेवन के प्लस रो की पावर सिक्स पावर में सेवन के, ऐसा अपन लिख सकते हैं।
ठीक है। अब अगर किसी भी एक टर्म को अपन यहाँ पर अगर इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, रो की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 7 के लिखा हुआ है तो यहाँ पे जब 7 के पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वैसे इसको भी जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगेन 1 मिलेगा। इसको भी यहाँ पुट करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको अगेन 1 मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनली जो मुझे मिलने वाला दैट इज़ 1 प्लस, ये कितना 1 है, ये भी कितना 1 है, ये कितना 1 है, ये भी कितना 1 है, प्लस ये भी कितना 1 है, प्लस ये भी लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 7। तो ये अपना क्या होगा, प्रूफ हो गया, हैंस हैंस प्रूफ। ठीक है, मुझे क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर n जो है कोई इंटीजर है ना, और वो 7 के अगर मल्टीपल अगर दिया हुआ है तो दैट इज़ है ना कितना होगा, ये उसको जब सम होगा दैट विल बी 7। ठीक है, बस यही तो था अपने प्रूफ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।